आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ही उपयोगी पदार्थ है जिसमें अनेक पदार्थ घुल जाते हैं। आज हमारे पास नमक, चीनी, बालू और लकड़ी का बुरादा है। आइए देखें इनमें से कौन कौन से पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, यानी कि वह विलय होते हैं, और कौन कौन से नहीं घुल पाते हैं, यानी वह अविलय होते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि पानी कितना अच्छा विलायक है। आज अभी हम एक ग्लास पानी लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको घोलेंगे। नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है और दिखाई नहीं पड़ता। अब एक और ग्लास पानी में और थोड़ी सी बालू घोल के देखेंगे। और इसको घोलने पे देखेंगे कि बालू पानी में नहीं घुलती, और थोड़ी देर में देखेंगे कि बालू पानी के ग्लास की पेंदी में बैठ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि नमक पानी में घुल जाता है अर्थात वह विलेय है, और बालू जो पानी में नहीं घुलता है और पेंदी में बैठ जाता है वह अविलेय है। इसी तरह दूसरे ग्लास पानी में चीनी घोल के देखेंगे। चीनी भी पानी में घुलनशील है। अब हम लकड़ी का बुरादा भी पानी में घोलने की कोशिश करेंगे। लकड़ी का बुरादा भी पानी में नहीं घुलता है अर्थात यह अविलय है, और धीरे धीरे करके ग्लास की पेंदी में बैठ जाता है। अभी हमने देखा कि नमक पानी में घुल जाता है अर्थात यह विलय है, चीनी भी पानी में विलय है, बालू पानी में अविलय है क्योंकि यह नहीं घुलती, और इसी तरह लकड़ी का बुरादा भी पानी में अविलय है। आइए अब ये देखें, क्या एक ग्लास पानी में जितना नमक चाहे हम उतना घुल सकता है? नमक क्योंकि पानी में घुल जाता है, यानी ये विलय है, इस वजह से पानी में घुलता जा रहा है। लेकिन अब देखो, अब और नमक इस पानी में नहीं घुल पा रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि एक निश्चित मात्रा पानी में एक निश्चित मात्रा का नमक ही घुल सकता है। आइए अब हम ये देखें कि ये पानी जिसमें हमने नमक घोला था, इसमें से हम नमक अलग कर सकते हैं कि नहीं। एक कटोरी लें जिसमें हम ये पानी डालें जिसमें कि नमक घुला हुआ है, और इसको अब हम उबालेंगे। इससे क्या होगा कि पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। अब इसको ठंडा होने दें।
ठंडा होने पे नमक हमें पुनः मिल जाता है। तो आज आपने देखा कि पानी कितना अच्छा विलायक है, जिसमें कई पदार्थ घुल जाते हैं। चीनी, नमक इसमें विलय हैं, लकड़ी का बुरादा, लोहे का चूरा, बालू आदि इसमें अविलय हैं। इसी प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक निश्चित मात्रा पानी में ही एक निश्चित मात्रा का पदार्थ उसमें विलय हो सकता है।